हेलो एवरीवन। सो हम लोग फिर से अल्ट्रा लीग खेलने के लिए आ गए हैं। तो अल्ट्रा लीग है, मज़े आते हैं इसमें। और कोरोना वायरस ने दहशत फैला रखी है पूरे वर्ल्ड में, तो घर बैठे बैठे क्या करें आप। तो अल्ट्रा लीग में हम लोग थोड़ा सा एंजॉय चल जाता है। सो गाइस, आज हम लोग 5 मैच खेलेंगे और वो सारे मैच मैंने रिकॉर्ड किए हैं इस बार। सो गाइज, इस बार मैंने रिकॉर्ड इसलिए किए क्योंकि हम लोग क्या कि अल्ट्रा लीग में ना एक ऐसा पोकेमोन है जो अगर आ जाता है तो हम लोग उसका कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो मतलब इतना फास्ट है, उसके अटैक्स इतने स्ट्रांग हैं कि हमारे कोई भी अटैक उस पर इतने इफेक्टिव नहीं है। हमारे पास 2 शील्ड होती हैं, वो दोनों शील्ड यूज होती हैं और उसके अब क्या ही बताएं। वो इतना स्ट्रांग पोकेमोन जो है वो एक गॉस टाइप पोकेमोन है और लेजेंडरी पोकेमोन है और उसका नाम है गिराटिना। सो आज हम लोग गिराटिना को हराएंगे। सो गिराटिना को हराना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत लोग इजीली हरा देते हैं गिराटिना को, पर आज हम लोग इसको हराएंगे, गिराटिना को। गिराटिना को ही नहीं, हम लोग और भी कई सारे लेजेंडरी पोकेमोन आएंगे, उनको हराएंगे और हमारा जो पोकेमोन का जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा, यही 3। और आज इन तीनों पोकेमोन में सबसे जो मेन पोकेमोन है हमारा वो है फ्लाइगन। सो गाइस, जो पहला मैच था वो जो भी था उसने गेम क्विट कर दिया था, पता नहीं गेम खेलते खेलते फ़ोन आ जाते हैं लोगों को, घर वालों के या फिर गर्लफ्रेंड के आ गया होगा। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं लोगों के पास, तो उसकी वजह से गेम छोड़ना पड़ता है। मैं भी छोड़ देता हूँ गेम कई बार, क्या होता है इंटरनेट नहीं चलता। अब आप अगर ध्यान देंगे तो जियो के सिर्फ 2 नेटवर्क आ रहे हैं, तो कई बार मेरे जो अटैक हैं वो थोड़े से लैग हो जाते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाता है। सो ये हमारे सामने है हरियामा, ये एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है और इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कोबेलियन को चूज़ किया है। कोबेलियन के अटैक्स इस पर काफ़ी मतलब हावी पड़ेंगे, काफ़ी इफेक्टिव होंगे। सो कोबेलियन लेने का यही मोटिव है मेरा, और वो डिफेंस कर रहा है पर उसका डिफेंस इतना अच्छा नहीं है। सो हम लोग एक्सीलेंट तक गए हैं। सेक्रेट स्वॉर्ड ने हरियामा को पॉकीबॉल का रास्ता दिखाया है, वो वापस पॉकीबॉल में गया है राइकू। सो ये हमारा पहला लेजेंडरी पॉकीमोन है जिससे हम लोग अभी लड़ रहे हैं इन 5 मैचों में। ऐसे और भी लेजेंडरी पॉकीमोन आएंगे, एक ही मैच में 2-2 आएंगे, तो इसका जो वाइल्ड चार्ज है वो मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की है, पर क्या करें। तो हम लोग को इसकी एक शील्ड यूज़ करनी है और वो शील्ड हमारा यूज़ करेगा टॉक्सी क्रोक। अगर वो शील्ड यूज़ नहीं भी करता तो भी हम ये मैच जीत जाएंगे क्योंकि जो हमारा फ्लाइगोन है वो इन सब पे भारी है अकेले। तो फ्लाइगोन भैया आ जाओ, फ्लाइगोन भैया आ गए हैं। अब फ्लाइगोन भैया बताएंगे इनको, राइकू को सारी लेजेंडरी निकालेंगे इनकी। तो वाइल्ड चार्ज जो है वो फ्लाइगोन पे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। सो ये अटैक राइकू को वापस पॉकी बॉल में भिजवाएगा और वो पॉकी बॉल में जा चुके हैं। सो ये हमारा दूसरा मैच था जो कि हम जीत गए। पहला मैच हमारा लक था, जो भी था पहला मैच यूं ही जीत गए। दूसरे में फ्लाइगोन ने अपनी ताकत दिखाई है, टॉक्सिक रॉक ने भी बहुत अच्छा काम किया है। काम तो तीनों ने अच्छा किया है पर छोड़िए। तो ये हमारा तीसरा मैच है और ये है एक लेजेंडरी पोकेमोन जिसका नाम है डियाल्गा। सो डियाल्गा की आप हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा,
और हमारे टॉक्सिक क्रॉप के अटैक्स, मतलब मैं इस पर भी डायनेमिक पंच कर सकता था पर मेरी बेवकूफ़ी थी या जो भी आप बोलें। और दूसरी बेवकूफ़ी मैं ये करूँगा कि मैं शील्ड यूज़ नहीं करूँगा, पर ये चीज़ मुझे आगे याद रहेगी कि थंडर अटैक जो है वो मेरे टॉक्सिक क्रॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो ये दूसरा है पालकिया, मतलब हमारे इस मैच में तीसरा लेजेंडरी पोकेमॉन है। सो पालकिया जो है वो ड्रैगन क्लो को झेल नहीं पाएगा। सो फ्लाइगोन की इसीलिए बात कर रहा था कि वो अगर ना होता तो क्या होता। सो पालकिया भी गया और ये वाइस स्टेप पोकेमॉन आया है। चलिए शील्ड को यूज़ करवाते हैं। शील्ड को पता नहीं घर ले जाने का प्लान था इनको। शील्ड यूज़ करे तो पालकिया तो बच जाता, जो चीज़ उन्होंने की वो चीज़ मैंने भी कर दी। तो अब हम लोग के पास दो शील्ड है, दोनों का बिल्कुल अच्छे से यूज़ करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से हम लोग एवलांचे से बचेंगे। पता नहीं एवलांचे का क्या इफेक्ट है इस पर फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे। तो ये सेक अच्छा, अब इनके पास एक भी शील्ड नहीं है और हमारे पास एक शील्ड है। और अगर आप ध्यान दें हेल्थ पे तो उसकी हेल्थ बहुत ही स्पीड से डिक्रीज हो रही है। एवलांचे पता नहीं क्या इफेक्ट डालेगा, पर शायद ये अटैक इसको पोकेबॉल पे भिजवाने के लिए काफ़ी होगा शायद, लेट्स सी। सो ये तीसरा मैच भी हम जीत चुके हैं, तीन मैच, चौथा मैच जो होगा उसमें भी शायद हम लोग काफ़ी किस्मत वाले रहेंगे। जहाँ तक मुझे याद है तीसरा या चौथा मैच तीन तो जीत ही चुके हैं, तो चौथे मैच में हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी रहेगी। पम्पकिन फॉर ऑल, ये सबके लिए पम्पकिन है। सो पम्पकिन फॉर ऑल ने एक खिलौना फेंका है, पॉरिकॉन जेड। ये पोकेमॉन दिखने में ऐसा है पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, पर ये थोड़ी सी मतलब मिसमैच हो गया कि हमारे इसके सामने फाइटिंग अटैक वाला पोकेमॉन आ गया, नहीं तो वो अकेला मतलब काफ़ी स्ट्रांग है। सो उसने गेम को क्विट कर दिया, बुरा लग गया उसको क्योंकि उसका जो मेन पोकेमॉन था वो खुद ही हुआ यार, जिस पर तुमने ट्रस्ट किया वो ऐसे पिट रहा है, गौर कर लियो कि भाई। सो गाइस ये फिफ्थ मैच है और ये वो मैच है जिसमें हमारे सामने आने वाला है गिराटिना, डार्क टाइप पोकेमॉन, घोस्ट टाइप पोकेमॉन। और टावर की तरह यार बिल्कुल, क्या बनाया है इसको यार, कितने पैर हैं यार इसके। सो हम लोग ये शील्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मैच भी जीतना है, सिर्फ गिराटिना को ही नहीं मारना है, मैच को भी जीतना है। तो कोवेलियन हमने ले लिया क्योंकि इसके पास ड्रैगन क्लो है, और जैसे कि हमारे पास जो मेन पोकेमॉन है फ्लाइगोन, तो फ्लाइगोन को हम सीधे नहीं लाएंगे इस पे, फ्लाइगोन से ही ये मरेगा, पर जिससे मरता है उसको हम सीधे नहीं लाएंगे क्योंकि जो मारता है वो मरता भी है। तो हमारा मेन मोटिव है कोवेलियन को लाने का शील्ड वेस्ट करना। तो इनके पास अब एक शील्ड बची है जो कि हमें वेस्ट करनी पड़ेगी और हम अपनी एक शील्ड बचाएंगे क्योंकि गिराटिना सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है और हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे इस पोजीशन पे। तो ये भी शील्ड बचा रहा है, इसको भी डर है कि कोई लास्ट पोकेमॉन इनका, लेट्स सी कब तक बचाओगे शील्ड भैया। सो इनका एक और पोकेमॉन देखते हैं कौन सा है। सो गाइस ये भी एक
लेजेंडरी पोकेमोन है। सो इन 5 मैचों में लेजेंडरी पोकेमोन की भरमार आ गई यार। म्यूटू होता तो उसको भी मरा देते क्योंकि म्यूटू यार इतना है, स्ट्रांग है, पर अल्ट्रा लीग में ऐसे ऐसे पोकेमोन है जैसे हुंडूम हो गया यार, वो मतलब ईजिली हरा देता है उसको। स्विगी वाले यार पता नहीं कुछ ऑर्डर करवा के ही मानेंगे। सो भाई डार्क राय है और ये खाएगा मुक्का। सो इनके पास अब शील्ड नहीं है तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार गिरेटिना इस पर अटैक कर दे, तो हम लोग शील्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग सारी शील्ड जो भी मतलब एक शील्ड है हमारी वो हमने फ्लाइगॉन के लिए रखी है। सो गाइज अब स्टार्ट हो चुका है गिरेटिना का उल्टा काउंट। सो कितने इस पर मतलब शॉट लगेंगे आपको लगता है? सिर्फ एक चार्ज अटैक, एक बार ये चार्ज होके मारेगा एंड गिरेटिना विल गो बैक टू हिज पॉकीबॉल। सो गिरेटिना इज गॉन एंड हम लोगों ने 5 out of 5 मैच जीते हैं इसमें। सो अल्ट्रा लीग जो है वो इतनी भी हार्ड नहीं है, पर ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जीतें। अब बहुत सारे ऐसे पोकेमोन हैं जिसकी मतलब जो आ जाएंगे तो मैं पक्का हार जाऊँगा। लैंडोरियस है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।